शिवपुरी के एक्सीलेंस स्कूल नंबर 1 में एक टीचर ने छात्र की बेरहमी से मारपीट कर दी। वहीं स्कूल के टीचर और छात्रों ने जिला अस्पताल में छात्र को भर्ती कराया है। वहीं उसकी हालत में सुधार है। मौके पर प्रिंसिपल विवेक श्रीवास्तव पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र का हालचाल जाना और डॉक्टर से भी बात की। जानकारी के अनुसार ललित धाकड़ पुत्र नंदकिशोर धाकड़ उम्र 14 साल निवासी ग्राम धोंदा हाल निवासी रेलवे स्टेशन के पास मामा के यहाँ रहता है। आज वह स्कूल गया था, तभी टीचर दिलीप राय ने उससे पूछा कि शर्ट की जेब क्यों नहीं सिलवाई। इसी बात के चलते दिलीप राय ने छात्र ललित धाकड़ की बेरहमी से मारपीट कर दी और उसके बाल पकड़कर सर बेंच में दे दिया, जिससे उसकी सिर में चोटें आई हैं। वहीं टीचर और छात्रों ने जिला अस्पताल में छात्र को भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं मौके पर प्रिंसिपल विवेक श्रीवास्तव पहुंचे, उन्होंने छात्र का हालचाल जाना और जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में मामला लाया है। वहीं टीचर पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। दिलीप राय हिंदी के टीचर है। मोनू नामदेव, शिवपुरी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? ललित। कहाँ रहती हूँ? रेलवे स्टेशन। ये आपकी मारपीट किसने की? दिलीप राय सर। दिलीप राय सर, क्या पढ़ाते हैं आपको? हिंदी। मारपीट क्यों करी आपकी? वो उन्होंने मुझे जेब फाड़ने की चुकी। अच्छा, जेब फाड़ दी थी। और मारपीट क्यों कर दी उन्होंने? मेरी जेब नहीं सिलवाई। कैसे की थी मारपीट? कैसे की? जेब ब्रेंच में दे दी। ब्रेंच में दे दी? कैसे? मतलब पाल पकड़? अच्छा, और फिर आप यहाँ पे कैसे आए? कौन लेके आया आपको? सर और वो और बच्चे। सर, अभी ये मामला सामने आया है, इसमें बच्चों को मारा है एक टीचर ने। सर, क्या कुछ करना क्रम था? अभी मेरे मामला संज्ञान में आया तो हम तुरंत यहाँ पे आ गए। बच्चे की तबीयत को देखते हुए हमारे पीटीआई साहब राकेश शर्मा जी बच्चे को लेकर तुरंत तो हॉस्पिटल आ गए और प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया। बच्चे की हालत अच्छी है, ठीक है, डॉक्टर साहब से भी बात हो गई है। और जिस टीचर ने भी अगर मारा है तो उसके खिलाफ हम बिल्कुल नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के भी संज्ञान में ये बात लाएंगे। अगर टीचर की गलती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी मैं जाके उससे टीचर से पूछूंगा क्या बात है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जो भी नियमानुसार कार्रवाई हुई मैं जरूर करूंगा। क्या